दोस्तों वीवो सस्ते नशे करता जा रहा है और भाई अब वीवो ने पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया है वीवो Y35 60,000 की प्राइस में 8GB रैम और 128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ ऐसे तो नहीं होता है। और मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में एक्सट्रीमली ओवर प्राइस है। और भाई वीवो ओप्पो के सस्ते नशे खत्म नहीं हो सकते, सबसे ज्यादा महंगे स्मार्टफोन इन्हीं के होते हैं। स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा लो लेवल की लगाते हैं लेकिन प्राइस इनकी बहुत ज्यादा होती है। खैर इस वीडियो में स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि भाई इस स्मार्टफोन के ऊपर आप लोगों को अपने 60,000 रुपए स्पेंड करने चाहिए या फिर नहीं, सारा कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और हां गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट आप लोगों ने कंप्लीट करना है। और साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि भाई आप लोगों को इस तरह की अनबॉक्सिंग टेस्टिंग वगैरह की वीडियोस इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। सो भाई ये है Vivo Y35 का बॉक्स, सिंपल सा बॉक्स है, साइड पर Vivo मेंशन किया गया और भाई फ्रंट पर Y35 को मेंशन किया गया। खैर बॉक्स को ओपन करते हैं, बॉक्स को ओपन करते साथ ही आप लोगों को डिवाइस मिल जाती है Vivo Y35 जो कि गोल्डन कलर में आती है। इसको रखते हैं अभी साइड पे, मजीद देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ IMI स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक सिलिकन केस देखने को मिलता है जो कि सॉफ्ट है और भाई अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड किया गया है। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा 44 वाट का एडॉप्टर यानी कि चार्जर मिलता है। इसके अलावा टाइप सी की केबल प्रोवाइड की गई है। और अच्छी बात यह है कि भाई इस पर ही वीवो ने एयरफोन को भी बॉक्स में ऐड किया है जो कि अच्छी बात बन जाती है। और लास्ट में आप लोगों को एक सिम इंजेक्शन टूल मिलता है, दैट्स इट। खैर बॉक्स कंटेंट को करते हैं साइड पे, आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ, डिवाइस को रैपर से रिमूव कर लेते हैं। हेयर इज द फर्स्ट लुक ऑफ Vivo Y35। डिजाइन वाइज तो ये डिवाइस काफी ज्यादा खूबसूरत है। खैर मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, सारी चीजें डिस्कस करते हैं आगे चल के। सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो भाई डाउन साइड पर आप लोगों को एक स्पीकर ग्रिल मिलती है, टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलती है, माइक देखने को मिलता है, 3.5mm का एक ऑडियो जैक दिया गया है। राइट साइड की बात करूं तो भाई यहां पर आप लोगों को एक पावर बटन देखने को मिलता है, उसी के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी इंप्लीमेंट किया गया है और उससे ऊपर आप लोगों को वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज देखने को मिलती हैं। लेफ्ट साइड की बात करूं तो भाई कुछ भी चीज नहीं दी गई लेफ्ट साइड पे। अपर साइड की बात करूं तो भाई यहां पर आप लोगों को एक सिम ट्रे देखने को मिलती है जिसके अंदर आप लोगों को डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। सो भाई डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन में 6.58 इंचेस के एक IPS पैनल प्रोवाइड किया गया है जो कि काफी ज्यादा बुरी चीज है। मैं ये समझता हूं कि भाई यहां पर IPS पैनल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को Vivo के V सीरीज के स्मार्टफोन मिल जाते हैं जिनके अंदर आप लोगों को AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिलता है और स्पेसिफिकेशन भी काफी ज्यादा तगड़ी मिलती है। लेकिन ये स्मार्टफोन आप लोगों को IPS पैनल प्रोवाइड करा वो भी 60,000 की प्राइस में जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। इसके अलावा स्मार्टफोन में नॉच देखने को मिलती है जो कि अगेन बुरी चीज है, 60,000 की प्राइस में नॉच दी जा रही है, एटलीस्ट 5-6 होना चाहिए था। अगर AMOLED 90Hz होता तो यार मैं कहता यार कंप्रोमाइज कर लेते हैं, नॉच के साथ जो है ना वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन IPS यार फिर भी नॉच, ये चीज काफी ज्यादा बुरी है। डिजाइन की बात करूं तो भाई स्मार्टफोन का डिजाइन वाकई में ही प्रीमियम है, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूं, हमेशा ही अप्रिशिएट करता हूं। भाई Vivo Oppo जो है ना वो डिजाइन के लिहाज से भाई कोई कसर नहीं छोड़ते, डिजाइन के ऊपर काफी ज्यादा काम करते हैं। इस स्मार्टफोन का डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत और भाई मैं कह सकता हूं कि भाई 60,000 की प्राइस में स्मार्टफोन का डिजाइन जो है वो जस्टिफाई करता है। लेकिन हमने डिजाइन को नहीं देखना, हमने अंदर देखना है फोन के, भाई अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, अंदर की स्पेसिफिकेशन 60,000 को जस्टिफाई करती हैं या फिर नहीं। इसके अलावा स्मार्टफोन की बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया गया और भाई यहां पर जो कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, एक शीशा है जहां पर आप लोग अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। खैर बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है जिसमें मेन सेंसर 50MP का दिया गया है, सेकेंडरी 2MP का एक डेप्थ सेंसर है, थर्ड 2MP का एक मैक्रो सेंसर दिया जाता है। और भाई आप लोग मेन सेंसर को ही लेकर चलें जो कि 50MP का है, वही वर्क करेगा, बाकी दो सेंसर जो है ना वो सिर्फ नंबरिंग बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं। और इसके अलावा एक और बैड न्यूज, आप लोग स्मार्टफोन के बैक कैमरे की मदद से सिर्फ 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना 60fps ना 4K। कितनी ज्यादा बुरी बात है, एक 60,000 की डिवाइस ना उसमें आप लोग को 4K मिल रहा है और ना ही 1080p 60fps का ऑप्शन मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा बुरी चीज बन जाती है। खैर कुछ कैमरा सैंपल मैं आप लोगों के साथ शो कर देता हूं, आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि भाई इस स्मार्टफोन के कैमरे की क्वालिटी आप लोगों को कैसी देखने को मिलती है।
इसके अलावा गाइस ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, फन टच ओएस 12 देखने को मिलता है जो कि वीवो की तरफ से आने वाला है, एक लेटेस्ट यूआई है। और भाई यूआई एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई यूआई एक्सपीरियंस काफी ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि भाई मैं खुद वीवो का फोन यूज कर रहा हूं, वीवो V20, लेकिन इससे तो वो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है जो मैं यूज कर रहा हूं। लेकिन ये स्मार्टफोन एक्सट्रीमली ओवर प्राइस है, मैं बार बार कह रहा हूं ये स्मार्टफोन एक्सट्रीमली ओवर प्राइस है। चिपसेट की बात करूं तो भाई मेरी मोहब्बत चिपसेट के साथ है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल चिपसेट देखने को मिलता है। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं स्नैपड्रैगन 680 की, जो कि 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से एक एवरेज चिपसेट है, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी, मतलब के एक नॉर्मल यूज के लिए ठीक ठाक है। पबजी के अंदर आप लोगों को 30 FPS देखने को मिलेंगे, भाई 60,000 की डिवाइस है, एक बंदा यही सोच के लेता है कि यार मैं इसको कैमरे के लिए लूंगा, डिस्प्ले के लिए लूंगा, गेमिंग के लिए लूंगा, हर चीज स्मार्टफोन में अच्छी हो जाएगी, लेकिन पबजी के अंदर आप लोगों को 30 FPS देखने को मिलेंगे। और भाई जब आप लोग गेम खेलते हैं तो भाई FPS जो है ना वो ड्रॉप भी होते हैं, जो कि काफी ज्यादा बुरी चीज है। और हाँ, एक और चीज, ये चिपसेट आप लोगों को पाकिस्तान में 30,000 से 35,000 की रेंज में मिल जाता है, लेकिन वीवो आप लोगों को 60,000 की प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी बात, पबजी के अंदर आप लोगों को जायरो भी नहीं मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा बुरी चीज है। 60,000 की प्राइस में अगर आप कोई डिवाइस लेते हो उसके अंदर जायरो हार्डवेयर बेस नहीं है तो भाई कितनी बुरी बात है यार। और भाई जो मेरे पास वेरियंट अवेलेबल है, ये 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरियंट है, इसी के साथ 8GB की एक्सटेंडेड रैम भी देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ लॉलीपॉप है कि भाई स्मार्टफोन में 16GB की रैम है, भाई कोई 16GB की रैम नहीं है, सिर्फ 8GB की ही रैम प्रोवाइड की गई है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो भाई स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, जिसकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है, लगाते साथ ही ऑन हो जाता है, आप लोग चेकआउट चेक कर सकते हैं, ये देखो भाई टच किया ऑन हो जाता है। और अभी मैं चेक करने वाला हूँ फेस अनलॉक, तो वो भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। फेस अनलॉक की स्पीड भी काफ़ी ज़रा फास्ट है, ये इस बटन से कर दूँ, ये देखो भाई, मतलब कि फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़रा फास्ट निकल कर आती है। और अब मैं आप लोगों को इस स्मार्टफोन के स्पीकर की क्वालिटी टेस्ट करवाता हूँ कि भाई स्पीकर का साउंड जो है वो हमें कैसा देखने को मिलता है। बेसिकली स्मार्टफोन में आप लोगों को सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलते, सिंगल स्पीकर आता है 60,000 की प्राइस में सिंगल स्पीकर, जो कि काफ़ी ज़रा बुरी चीज़ है। खैर फिर भी मैं आप लोगों को साउंड टेस्ट करवा देता हूँ। साउंड जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मेरा भाई, साउंड की क्वालिटी जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलती है, स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और भाई लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो भाई ये स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आता है, 5000mAh की बैटरी है, जिसके साथ आप लोगों को 44W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाता है, मतलब कि 44W की यहाँ पर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। अब भाई ये कितनी देर के अंदर 0 to 100 फुल होता है, चार्जिंग टेस्ट करेंगे उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा। सो भाई कंक्लूजन ये है कि भाई ये स्मार्टफोन एक्सट्रीमली ओवर प्राइस है। अगर ये स्मार्टफोन कहीं 45,000 से 50,000 की रेंज में लॉन्च किया जाता तो मैं ये कह सकता था कि भाई ये स्मार्टफोन वर्थ इट है, लेकिन 60,000 की प्राइस में ये एक्सट्रीमली ओवर प्राइस है। आप लोगों ने स्मार्टफोन को कतन परचेज नहीं करना, लेकिन आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो भाई कर सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, ये मेरा ओपिनियन है भाई, मेरा ओपिनियन आपको देना जो है ना वो फर्ज है, कि भाई आप लोगों को बताया जाए कि भाई ये फोन जो है वो आप लोगों ने नहीं खरीदना, आप लोगों के पैसे जाया हो जाएंगे। इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को यूज के अंदर भाई 1000 गुना इससे अच्छा फोन मिल जाएगा, 1000 गुना 100 गुना भी नहीं 1000 गुना अच्छा फोन मिल जाएगा, लेकिन ये फोन आप लोगों ने परचेज नहीं करना। सो भाई ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो, आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस स्मार्टफोन के रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।